Hello everyone. Hi. Welcome to the class. My name is Dr. Charanjit Kaur and today we'll be starting about the previous year questions of sequence. So जो sequencing के questions हैं अगर आप solve करना चाहते हैं because अभी हम लोगों ने आज दिन में एक class attend की है जो कि आप लोग देख सकते हैं available है जिसकी recording अभी available हो गई होगी. इसके पहले की भी सीक्वेंसिंग है मैक्सिम गिल्बर्ट सीक्वेंसिंग एंड डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग जो होती है वो सारी सीक्वेंसिंग हम लोगों ने मार्च के सेशंस में लिए थे. अभी हम लोगों ने पायरस सीक्वेंसिंग का क्लास लिया है तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आज. ठीक है, आई होप दिस क्लास विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज मैंने इसमें आपको गेट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, डीबीटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और सीएसआईआर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं. एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ओके, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्लीज लेट मी नो. आई होप मैं आप सबको दिख रही हूँ, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे. ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को. क्योंकि ये जो क्लासेस हैं नार्ट सीक्वेंसिंग ये सब आपके मेथड्स की क्लास हैं. मेथड्स यानी कि यूनिट नंबर 13 का पोर्शन है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये यूनिट नंबर 12 में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपके आते हैं जब हम बात करते हैं सी एस आई आर के. तो यूनिट नंबर 12 और अगर यूनिट नंबर 2 आप पढ़ना चाहें तो इस समय इन दोनों के ही कोर्सेज लाइव चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, जिनका टाइमिंग रहता है 6 PM और टाइमिंग यूनिट नंबर 12 के लिए है 2:30 PM. जो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं इसी टाइमिंग पर मेरा प्लस क्लासेस होते हैं. अगर आप जल्दी से अभी मतलब 25th से लेके और 28th अप्रैल तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाई यूजिंग दिस कोड सी कॉर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर. चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लें चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 24 मंथ्स के लिए प्लस के लिए जो फीस है वो 22,000 है, 12 मंथ्स के लिए 15,950 है, 6 मंथ्स के लिए 12,760 है एंड 3 मंथ्स के लिए 6,008, जिस पर आपका 20% डिस्काउंट लग के ये प्राइस और भी कम हो जाएगा. यहाँ पर मैंने आपको 10% डिस्काउंट बताया हुआ है, यानी कि ये जो डिस्काउंट है ये आपको मिलेगा मतलब आज से लेके और 28th तक आपको जो डिस्काउंट है वो 20%. Am I audible now? क्या आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. Okay, great. Thank you for replying, Chandni, Swagatika. And good afternoon everyone, welcome to the class. Yes, so okay, तो क्लास ये दो कोड में से कोई भी अगर अभी यूज लेके 28th अप्रैल तक तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, इसकी बात मैं आपको बता रही थी. और इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे. कुछ यूट्यूब के क्लासेस आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और जो फ्री क्लासेस हैं उनको एक लगेगा. कोड लगने से क्या होता है कि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. बफरिंग हो रही है. क्वेश्चन विजिबल है क्या आपको?
गुड आफ्टरनून रक्षा, एम आई ऑडिबल? प्रॉपर चल रहा है क्लास या नहीं? कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, हमारे यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है। व्हाट इज़ योर आंसर? पायरो सिक्वेंसिंग डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेसिस आर डिटेक्टेड बाय पायरोलिसिस। इट यूजेस द एंजाइम पायरेज टू डिटेक्ट द बेसिस। इट डिटेक्ट्स पायरोफॉस्फेट रिलीज ड्यूरिंग बेस इनकॉर्पोरेशन एंड इट जनरेट्स पायरोग्राम्स एज आउटपुट। व्हाट इज योर आंसर? सी आंसर करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं आपके पायरो सिक्वेंसिंग में, इसीलिए इसको हम पायरो सिक्वेंसिंग कहते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन योर स्क्रीन। विच मेथड इज यूज्ड टू जेनरेट द क्लोनली एम्पलीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट टू बी यूज्ड एज टेम्पलेट्स इन द पायरो सिक्वेंसिंग? Which method is used to generate clonally amplified DNA fragments to be used as templates in the pyro sequencing? जी, इमल्शन पीसीआर का हम यूज करते हैं, कर इमल्शन पीसीआर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन प्रिडिक्टिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स फ्रॉम जीनोम सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम इज दैट? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन प्रिडिक्टिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स फ्रॉम जीनोम सीक्वेंस एल्गोरिथम इज दैट? द सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू यूज, द फॉल्स नेगेटिव रेट इज हाई, मैनी एग्जाम्स आर मिस्ड, द फॉल्स पॉजिटिव रेट इज हाई, मैनी एग्जाम्स पॉजिटिव रेट इज लो, मैनी एग्जाम्स आर हैव अननोन फंक्शन। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं प्रोटीन कोडिंग जीन को प्रेडिक्ट करने में आती है, जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे फॉल्स पॉजिटिव का रेट बहुत हाई रहता है और बहुत सारे जो एक्सॉन्स हैं वो फॉल्सली असाइन हो जाते हैं कि वो एक्सॉन है, एक्चुअल में वो एक्सॉन होते नहीं है। सो आंसर इज सी। गुड आफ्टरनून जर्निकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following enzymes is not used in the pyro sequencing? Pyro sequencing में कौन सा use नहीं होता है ये बताना है आपको। डीएनए पॉलीमरेज, पायरोफॉस्फेटेज, ल्यूसीफेरेज या फिर एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए सीक्वेंसिंग के लिए, पायरोफॉस्फेटेज, ल्यूसीफेरेज, एटीपी सल्फ्यूराइलेज, कौन सा नहीं चाहिए? यस, पायरोफॉस्फेटेज का कोई यूज नहीं होता है, ल्यूसीफेरेज चाहिए होता है हमको जो ऑक्सील्यूसिन में कन्वर्ट कर देता है ल्यूसीफेरिन को, और एटीपी सल्फ्यूराइलेज चाहिए होता है जो कि एपीएस से एटीपी बनाता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने ये। गुड आफ्टरनून अजय। गुड आफ्टरनून योगिता। आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पायरो सीक्वेंसेस सीक्वेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है अकेडमी की क्लासेस में कि हम उसमें पोल जेनरेट कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे पोल जेनरेट नहीं कर सकते, नहीं इसलिए अनअकेडमी के स्पेशल क्लासेस में आया करें, क्विज अटेंड किया करें, मजा आएगा, लीडर बोर्ड भी पता चलेगा कि कौन सा क्या किस रैंक पर आ रहे हैं आप। यस, इमल्शन पीसीआर का यूज किया जाता है, परफेक्ट, वेरी नाइस, इमल्शन पीसीआर का पायरो सीक्वेंसिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है डीबीटी में। सेम
सेम क्वेश्चन है. पायरो सीक्वेंसिंग डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेसिस आर डिटेक्टेड बाय पायरोलिसिस. इट डिटेक्ट्स पायरोफॉस्फेट रिलीज ड्यूरिंग द बेस इनकॉर्पोरेशन. इट यूज ए पायरेज टू डिटेक्ट द बेसिस. इट जेनरेट्स द पायरोग्राम एज एन आउटपुट. हाँ जी, 6 PM पर क्लास है आज, प्लस की क्लास है आज. अजय हुआ नहीं है आज. रक्षा दोबारा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है. डीबीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. जी बिल्कुल, क्योंकि पायरो सीक्वेंसिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेस इनकॉर्पोरेशन को, जो पायरोफॉस्फेट होते हैं उसको रिली उसको डिटेक्ट करता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. स्टूडेंट सीक्वेंस द डी एन ए यूजिंग सैंगर्स मैथड एंड ऑप्टेन द फॉलोइंग ऑटो रेडियोग्राम. ठीक है, एंड द सीक्वेंस ऑफ डी एन ए, सीक्वेंस ऑफ डी एन ए क्या होगा. यस, बी होगा करेक्ट आंसर. क्यों बी होगा भाई, क्या हो रहा है सीक्वेंस. यहाँ से शुरू होगा जी, फिर आया ए, फिर आया ए, फिर आया टी, फिर आया सी. करेक्ट. यहाँ पर 5 प्राइम, ये हुआ 3 प्राइम. तो जी ए ए टी सी, राइट. सबसे जो लोअर होगा उसको हम आंसर करते हैं बी. करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये लीजिए, नहीं द थिंग इज कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको उसकी डायरेक्शन दे रखी है. अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बना रहे हैं तो हमको डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए, राइट. मैक्सिमम में कभी भी जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस तो आपका डायरेक्ट इंडिविजुअल ये है, दूसरा इंडिविजुअल ये है, और इन दो इंडिविजुअल में क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं. जस्ट अ मिनट, मैं क्या करूँ. अभी भी बफरिंग हो रही है क्या. अभी आईएस बफरिंग नहीं हो रही होगी, अभी ठीक चलेगा. ओके, सो यहाँ पर देखना है, दो सब्जेक्ट हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल वन, इंडिविजुअल टू. इसके अंदर क्या है, आंसर क्या रहना चाहिए हमारा. Which one of the following interpretation is correct for the sequenced data fact, DNA fragment? Number one, subject 2 has two allelic variants. Number two, subject 1 is sequence TAG, TCG, GA. Number two, subject 2 has the sequence AGG, CTAGAT. And subject 1 has the single nucleotide deletion in the gene. क्या question है और उसमें answer क्या हो सकता है. ए का डिलीशन है. अच्छा देखिए जरा, हमें सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू में देखना है. यानी अभी अपन सब्जेक्ट वन का पहले देखते हैं, पहले जो सीक्वेंस की बात है उसको क्लियर कर लेते हैं. सीक्वेंस शुरू होगा सब्जेक्ट वन में ए से. सब्जेक्ट वन में 5 प्राइम पर ए आना चाहिए, राइट. सब्जेक्ट टू पे भी 5 प्राइम पे ए आना चाहिए. तो ये तो रॉन्ग है कि सब्जेक्ट वन जो है उसका सीक्वेंस ए से शुरू होना चाहिए, टी से दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया. बी नहीं हो सकता. सी की बात करते हैं, ये ए से शुरू होना चाहिए, ओके. फिर आया जी, ओके. फिर आया जी, ओके. फिर आया सी, ठीक है. फिर आया टी, और फिर ए है यहाँ पर. अब यहाँ पर ये टी आया पहले या ए आया पहले, सो वी कैन नॉट एक्चुअली टेल. ये इतना ज़्यादा सीक्वेंस ठीक से नहीं दिया गया है कि इसमें हम सही से समझ पाए कि क्या हो रहा है, कि ए पहले है या टी पहले है, राइट. सो वी कैन नॉट गेट द सीक्वेंस हियर. नाउ सब्जेक्ट वन इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन इन द जीन. सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो रहा है सब्जेक्ट वन में. कैन यू प्लीज स्पॉट मी, कहाँ पर वो जीन का डिलीशन हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन कहाँ पर हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं. मेरा आंसर आता है फर्स्ट,
इस सब्जेक्ट टू में दो जेनेटिक, दो एलीलिक वेरिएशंस है, कहाँ कहाँ पर है देखिए। पहले हम ए लाइन को देखते हैं, ए में यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, ए की बात करिए यहाँ पर 1, 2, 3 एक वेरिएशन यहाँ पर है सब्जेक्ट टू में। दूसरी बात करते हैं हम लोग टी की, टी में एक है दो है, टी में एक है और दो है, ठीक है। जी की बात करते हैं कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। टी की बात कर रहे थे, टी की बात कर रहे थे 1 और 2, राइट। देखिए ये वेरिएशन है, क्योंकि देखो अपर अगर हम बात करते हैं टी की और जी की, नहीं ये वेरिएशन नहीं आएगा ना, यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है, ये वेरिएशन दिख रहा है ए का, बट यहाँ पर वो वेरिएशन नहीं आ रहा है। सिंगल वेरिएशन होगा, हाँ जी एक ही वेरिएशन है, करेक्ट करेक्ट। ये नहीं होगा सीक्वेंस टू में, दो एलीलिक वेरिएशन नहीं है, सिंगल वेरिएशन है, और सब्जेक्ट वन के अंदर है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन पाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर है? इस जगह पर है, ये आपका सब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पर आपका एक वेरिएशन यहाँ पर डिलीशन पाया जा रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डी सही है, बिल्कुल सही। एनोलिको न्यूक्लियोटाइड वॉज सीक्वेंस बाई डाइडियोक्सी मेथड ऑफ सेंगर एंड द फॉलोइंग ऑटो रेडियोग्राम वॉज ऑब्टेन्ड। नाउ यू विल हैव टू टेल द सीक्वेंस ऑफ द ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या सीक्वेंस होगा बताइए। बी होगा, जी टी सी सी टी जी टी ए सी ए, यहाँ से शुरुआत होके यहाँ तक जाना है, तो हमारा सीक्वेंस कहाँ मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये अ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ऑब्टेन्ड विद अ टाइप टू एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइजेज अ सिक्स बेस पेयर साइट वाज सब्जेक्ट टू मैक्सिम गिल्बर्ट सीक्वेंस विद रिजल्ट्स एज फॉलोइंग एज शोन इन द ऑटो रेडियोग्राम बिलो। आपको इसका सीक्वेंस बताना है। अगेन आप किस तरीके से करेंगे? उसी तरीके से करेंगे, बहुत बढ़िया। बी यहाँ सबसे क्या आएगा? सी आ गया, फिर आ गया यहाँ टी, फिर आ गया आपका ए, क्योंकि जी तो इधर आता, फिर आ गया आपका जी, फिर आ गया आपका ए, फिर आया टी, फिर आया ए, राइट। इस तरीके से चलेगा सी टी ए करके। अब सी टी ए करके हमारी डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्ट एम आई ऑडिबल? इज इट बफरिंग राइट नाउ? इज इट बफरिंग? ओके गाइस, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन शो मी। ओके गाइस, आज के लिए फिर इतना रखते हैं, पता नहीं नहीं हो रहा है क्लास किसी रीजन से।